नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित। स्वागत है आप सबका डिफेंस डिकोड पे। और इस वीडियो में बात करने वाले हैं जेट इंजन्स के बारे में। तो जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में जानेंगे कि भारत क्यों नहीं चाहता कि वो रशिया के साथ मिलके एमका के लिए एक फिफ्थ जनरेशन का जेट इंजन डेवलप करे। हालांकि 2017 में रशियन कंपनी यूनाइटेड इंजन कॉरपोरेशन के CEO ने ऐसा बयान दिया था कि वो भारत के साथ मिलके जो भारत का फिफ्थ जनरेशन का प्रोग्राम है उसके लिए एक इंजन डेवलप करना चाहते हैं। लेकिन उस स्टेटमेंट पर भारत की तरफ से कोई भी ऑफिशियल बयान नहीं दिया गया। तो इस वीडियो में जानेंगे कि भारत क्यों नहीं चाहता कि वो अपने एमका, जो कि एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है, उसके लिए जो एयरस्पेस इंजन की रिक्वायरमेंट है और जिसके लिए भारत अभी फिलहाल एक पार्टनर ढूंढ रहा है। तो बहुत लोगों का ऐसा मानना था कि रशिया एक अच्छा पार्टनर हो सकता है, लेकिन जिस तरह से एमका को डिजाइन किया गया है तो इसमें जो सुपर क्रूज एबिलिटी है वो होनी चाहिए। और उन सभी चीज़ों को देखते हुए ही भारत ये चाहता है कि कोई वेस्टर्न इंजन आए। तो ऐसा क्यों है ये जानने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे सोवियत यूनियन की। तो कोल्ड वॉर के दौर में जो सोवियत यूनियन था वो काफ़ी स्ट्रांग था और वो अपने R&D पे काफ़ी पैसे खर्च कर रहा था। तो उस दौरान जो सोवियत यूनियन था वो काफ़ी कम्पटिटिव था और कुछ टेक्नोलॉजी के मामलों में जो वेस्टर्न कंट्रीज है उनसे भी आगे था। लेकिन जब सोवियत यूनियन डिजॉल्व हुआ और रशिया बना, तो उसके बाद जो R&D पे एक्सपेंडिचर था वो उस प्रकार का नहीं रहा और धीरे धीरे करके जो क्रिटिकल टेक्नोलॉजी है उस मामले में रशिया जो वेस्टर्न कंट्रीज है उनसे पिछड़ता गया है। और कुछ इसी प्रकार का डिफरेंस है रशियन लो बाईपास इंजन और वेस्टर्न लो बाईपास इंजन में। और ये जो डिफरेंस है वो स्पेशली है थर्मल बैरियर कोटिंग और जेट लाइनर्स को लेके। तो इस तरह की कुछ टेक्नोलॉजी को लेके जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं वो रशिया से आगे है। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि जो टरबाइन का हॉट कोर होता है उस मामले में जो वेस्टर्न कंपनियाँ हैं वो रशियन कंपनियों से आगे हैं, चाहे वो GE हो, प्रैट एंड व्हिटनी हो या फिर रॉयल्स रॉयस हो। और अब धीरे धीरे इनके साथ पार्टनर करके सैफरॉन भी आगे बढ़ रहा है। तो चलिए जानते हैं कि किस तरह से जो हॉट कोर की टेक्नोलॉजी है रशियन टेक्नोलॉजी, वो वेस्टर्न टेक्नोलॉजी से उतनी सुपीरियर नहीं है। और इसीलिए ऐसा बताया जा रहा है कि जो अभी Su-57 का इंजन है उसमें और इम्प्रूवमेंट चल रहे हैं और हो सकता है वो इम्प्रूवमेंट्स को लेके 2020 में ये इंजन Su-57 के साथ फ्लाई करेगा और ये जो इंजन होने जा रहा है वो वेस्टर्न कंपनीज को टक्कर देगा। तो एक नज़र डाल लेते हैं कि रशियन जो एयरस्पेस इंजन टेक्नोलॉजी है वो किस तरह से डिफरेंट है वेस्टर्न टेक्नोलॉजी से और ये लोग क्या कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। तो रशियन इंजन्स के बारे में ऐसा आप हमेशा सुनते होंगे कि जो रशियन इंजन होते हैं वो हैवी होते हैं। उस हैवी वेट को लेके जो थ्रस्ट टू वेट रेशियो है मेंटेन करने के लिए ये अपने थ्रस्ट को इनक्रीज करते हैं। तो वो किस तरह से करते हैं वो इससे पहले हम अपनी कई वीडियो में बात कर चुके हैं, जहाँ पे आउटलेट पे बर्न्ट मास फ्लो रेट को कॉन्स्टेंट रख के कंप्रेसर के मास फ्लो रेट को छेड़ा जाता है और जिसकी वजह से आपको एडिशनल थ्रस्ट मिलता है। तो कुछ इस तरह से एडिशनल थ्रस्ट निकाल के ये अपने थ्रस्ट टू वेट रेशियो को मेंटेन करते हैं। अगर आपका थ्रस्ट टू वेट रेशियो 1:1 है तो आपका इंजन काफी अच्छा इंजन है। तो अब डालते हैं एक नज़र इन सभी टेक्नोलॉजी पे। तो सबसे पहले बात करते हैं रशियन टेक्नोलॉजी की। तो इसको समझने के लिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं जो कि एक ही क्लास के इंजन है, जैसे कि GE का 414, रॉयल्स रॉयस का EJ200, उसको कंपेयर करेंगे उसी क्लास के क्लिमोव द्वारा निर्मित RD-33 इंजन को। तो एक चीज आप देखोगे कि जो कंप्रेशन के स्टेज हैं सभी इंजन्स में, तो आप पाओगे कि जो रशियन इंजन्स हैं उसमें जो कंप्रेशन के स्टेज हैं वो हायर हैं और इसमें 4 लो प्रेशर स्टेज हैं और 9 हाई प्रेशर स्टेज हैं। वहीं पे बात करोगे F414 की तो इसमें 7 कंप्रेसर के स्टेज हैं जो कि हाई कंप्रेशन स्टेज हैं, बढ़ते हो यूरोपियन EJ200 पे। तो इसका जो कंप्रेशन का स्टेज है वो 5 स्टेज का है, तो सबसे कम कंप्रेशन का स्टेज इसका है, इसीलिए इस इंजन का जो वेट है वो सबसे कम है जो हम कंपेयर कर रहे हैं इनमें से। तो क्यों रिक्वायरमेंट पड़ी है रशियन इंजन को हायर कंप्रेशन स्टेज की, वो इसलिए पड़ी है कि इसके जो ब्लेड्स हैं और स्टेटर हैं वो ज्यादा लोड नहीं ले सकते और इसको कैलकुलेट किया जाता है डीहॉलर नंबर से, जो कि होता है आउटगोइंग वेलोसिटी बाय इनकमिंग वेलोसिटी। तो इसका जो नंबर है वो आपका 0.72 से ऊपर है, तो उस तरह के जो ब्लेड्स होते हैं वो और लोड लेने में सक्षम होते हैं। और अगर ऐसा होता है तो जो आपके स्टेज है कंप्रेशन स्टेज वो उस प्रकार का जो कंप्रेशन है वो नहीं डिलीवर कर पाते हैं। और फिर जब आप कैलकुलेट करते हो कि आपको ये पर्टिकुलर थ्रस्ट डेवलप करने के लिए कितने कंप्रेशन स्टेज की रिक्वायरमेंट होगी, और उसके लिए एक फॉर्मूला है जो कि अभी इन शॉर्ट में इतना ही बता सकता हूं क्योंकि इसको एक्सप्लेन करने बैठेंगे तो बहुत लोगों को समझ में नहीं आने वाला है। तो फिलहाल ये एक फॉर्मूला है और इसमें जो β1 β2 एंगल है वो इनकमिंग और आउटगोइंग जो एयर वेलोसिटी है उनके एंगल है वर्टिकल से। तो जब आपके दो कंसेक्यूटिव जो स्टेज हैं वो पर्टिकुलर ब्लेड लोडिंग क्राइटेरिया को फॉलो नहीं कर रहे होते हैं तो आपको जो ओवरऑल मिलती है पॉलीट्रॉपिक एफिशिएंसी वो कम मिलती है, जिसका परिणाम ये होता है कि आपके जो नंबर ऑफ स्टेज हैं वो बढ़ जाते हैं एक पर्टिकुलर कंप्रेशन अचीव करने के लिए, जिससे कि आप डिजायर थ्रस्ट डेवलप कर सको। और जिसका परिणाम ये होता है कि आपके स्टेज बढ़ गए तो आपके जो इंजन का जो वेट है वो भी बढ़ता है और उसको कंपनसेट करने के लिए आप एडिशनल फ्यूल ऐड करते हो। और कुछ इसी प्रकार से करके जो रशियन इंजन होते हैं वो कम्पीट कर रहे होते हैं वेस्टर्न इंजन के साथ। तो रशियन इंजन में इतना कुछ हो जाना काफी अच्छे से ऑपरेट करता है और इसकी जो लाइफ है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर रेंज में सही रहती है जब ये रशिया में ऑपरेट कर रहे होते हैं।
लेकिन ये कंडीशन कम्प्लीटली डिफरेंट हो जाती है जब ये इंजन ट्रॉपिकल रीजन में आते हैं, जहाँ पे इनकी जो सर्विस लाइफ होती है वो कम हो जाती है। और वो क्यों कम होती है वो भी जानेंगे। तो आप सबने रशियन इंजन के बारे में ये बहुत सुना होगा कि ये इंजन बहुत थर्मोक्लाइन है, मतलब वेरिएबल टेम्परेचर में ये ऑपरेट करने के लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक इंजन है। तो ये क्यों है हम समझते हैं सबसे पहले। तो आप याद करोगे तो हम ऑलरेडी इस इंजन में क्या कर रहे हैं, इनलेट एयर को बाईपास करके एडिशनल फ्यूल एड कर रहे हैं ताकि वो थ्रस्ट टू वेट रेशियो को मेंटेन कर सके। और उससे क्या होता है कि जो आपका टेम्परेचर होता है वो आपको टर्बाइन के इनलेट पे हाई मिलता है। अब मान लेते हैं कि हम ऑपरेट कर रहे हैं राजस्थान में, जहाँ पे ऑलरेडी जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है वो हायर होता है। तो इन टेम्परेचर्स पे क्या होता है कि जो आपकी एयर होती है, सराउंडिंग की एयर, वो राजस्थान के टेम्परेचर की वजह से उनकी जो मॉलिक्यूल की डेंसिटी होती है वो कम होती है। और डेंसिटी कम हो गई है मतलब मॉलिक्यूल खुल गए हैं और अलग अलग हो चुके हैं। तो जब उस कंडीशन में जब आप इस तरह के इंजन को ऑपरेट कर रहे होते हो या फिर अमूमन किसी भी तरह के इंजन को ऑपरेट करोगे एक हॉट कंडीशन में, तो वो जो लिफ्ट होता है वो कम प्रोड्यूस करता है। और अब हम ये इंजन वहाँ पे डाल देंगे तो क्या होगा, इसका जो वियर एंड टियर है इंटरनली वो ज्यादा बढ़ जाता है। इस तरह के इंजन काफी फ्यूल मांगते हैं और मेंटेनेंस मांगते हैं। हालांकि जो रशियन इंजन का स्ट्रक्चर है वो काफी स्ट्रांग होता है, और उस स्ट्रक्चर को आप वेस्टर्न इंजन से कंपेयर करोगे तो काफी स्ट्रांग मिलेगा। जैसे कि मान लो कोई इनलेट के थ्रू पत्थर घुस जाता है तो उस कंडीशन में जो रशियन इंजन है उनको ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो वेस्टर्न इंजन होते हैं उनको चेक की आवश्यकता पड़ जाती है। तो इस तरह के जो रशियन इंजन होते हैं उनको अगर आप हाई ऑल्टीट्यूड पे उड़ा रहे हो तो सही है, क्योंकि वहाँ पे टेम्परेचर ऑलरेडी कम होते हैं और जो ओवरऑल हीट सिग्नेचर होता है वो कम होता है। लेकिन एक ऐसे कंडीशन में जहाँ पे टेम्परेचर बार बार वेरी कर रहा है ट्रॉपिकल रीजन में, तो वहाँ पे ये इंजन काफी मेंटेनेंस मांगते हैं। और दूसरी प्रॉब्लम ये देखोगे कि एक ऐसा एनवायरमेंट है जहाँ पे जो एयर है वो ऑलरेडी वार्म है, और जो आपके कंप्रेसर्स का काम क्या होता है, जब वो एयर को कंप्रेस करता है तो एयर का जो टेम्परेचर है वो भी बढ़ता है। तो यहाँ पे हम अगर ऑलरेडी बड़ा हुआ टेम्परेचर देंगे कंप्रेशर को, तो जो कंप्रेशर की परफॉर्मेंस है वो गिर जाएगी, जो कि ऑलरेडी जो इसके पर स्टेज कंप्रेशन है वो अंडर परफॉर्मिंग है। तो कहीं ना कहीं जो ओवरऑल इफेक्ट है वो एक पेनाल्टी लेके आता है। और इस तरह के इंजन जो भी आपके वार्म टेम्परेचर वाले कंडीशन है वहाँ पे इजीली सुपर क्रूज नहीं करता है। आपके दुश्मन के जो भी हीट सीकिंग डिवाइस है वहाँ पे क्लियरली दिख जाते हैं इस प्रकार के इंजन। तो ये कुछ मेजर इश्यूज हैं रशियन इंजन टेक्नोलॉजी के साथ, और ऐसा बताया जा रहा है कि इन सभी इशू को रशिया ने स्टेप बाय स्टेप रिजॉल्व करना शुरू कर दिया है। कुछ हद तक इसको रिजॉल्व किया Su-35 के इंजन में, लेकिन वहाँ भी कम्प्लीटली वो रिजॉल्व नहीं हुआ था। और ऐसा बताया जा रहा था कि अब जो AL-41 है उसके एक और वेरिएंट पे काम चल रहा है, जो कि 2020 में Su-57 पे लगाया जाएगा। और ये इंजन ऐसा क्लेम किया जा रहा है कि जो भी वेस्टर्न इंजन है उन सबको टक्कर देने जा रहा है। तो इन्हीं सब चीजों को देखते हुए DRDO कहीं ना कहीं ये सोच रही होगी कि रशिया ने इस प्रकार का जो इंजन है जो कि हर वेदर कंडीशन में प्रॉपरली काम कर सके वो अब जाके डेवलप किया है, और वो भी पूरी तरह से मैच्योर नहीं है। और ये भी एक मेजर रीजन था जब इंडिया इवेल्युएट करने गया था अपने FGFA प्रोग्राम के लिए, तो उस दौरान जो इसका इंजन था उसके आउटलेट पे टेम्परेचर काफी हाई था। और ये चीज भी IEF के ऑफिशियल्स को उस दौरान पसंद नहीं आया था, और इसलिए DRDO और GTR ऐसा चाहती है कि एमका के इंजन के लिए कोई वेस्टर्न पार्टनर ही ढूंढा जाए, क्योंकि उनकी जो हॉट कोर की टेक्नोलॉजी है वो बाकियों के कंपेयर में काफी आगे है। तो ये कुछ मेजर रीजंस हैं मेरी नज़र में जिसकी वजह से HAL और DRDO ऐसा चाहते हैं कि एमका के लिए कोई वेस्टर्न पार्टनर ही इंजन डेवलप करने के लिए सेलेक्ट किया जाए। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।